हेलो फ्रेंड्स, मीठा खाना आई थिंक हम सबको कहीं ना कहीं बहुत पसंद है, चाहे बच्चे हों या बड़े। बड़े शायद अपने आप को एक बार फिर भी मीठा खाने से रोक पाए, चाहे उसका रीजन हो वेट मैनेजमेंट या हेल्थ कंसर्न। बट बच्चों को मीठा खाने से रोक पाना या उनको चॉकलेट खाने से रोक पाना, आई थिंक दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर इतना मीठा खाएंगे, इतनी चॉकलेट्स खाएंगे, तो आई एम श्योर दैट उनको कोई ना कोई ओरल हेल्थ इश्यूज भी होंगे। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए, ओरल हेल्थ हाइजीन पे बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर मनीषा गुरनानी। शी इज अ पेडियाट्रिस्ट, अगर आम भाषा में बोले तो पेडियाट्रिक डेंटिस्ट, बच्चों की डेंटिस्ट। शी ट्रीट्स ओरल प्रॉब्लम्स इन किड्स एज वेल एज एडल्ट्स। शी इज ऑल्सो द किड्स डाइट काउंसलर। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर मनीषा। डॉक्टर मनीषा, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है कि व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर ब्यूटीफुल स्माइल? Being a dentist, so I have to maintain yeah, my let me, smile. Yeah, let me put it this way कि क्या हर dentist की smile इतनी ही beautiful होती है? हाँ, सभी dentist की smile आपको beautiful दिखेगी, because आप जब हम ये field में जाते हैं ना, हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है। Okay, so क्योंकि ये of course show पूरा dedicated है oral health hygiene के ऊपर, तो हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे तो जीरो ईयर से लेकर के 10, 12, इवन मैं भी अभी बच्चा हूँ फॉर दैट मैटर, आई एम जस्ट किडिंग बाय द वे, बट एक सर्टेन एक एज तक हम बच्चों की बात करते हैं, तो जो 2 साल का बच्चा है उसकी ओरल हाइजीन और जो 10 साल का बच्चा उसकी ओरल हाइजीन में ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस। सो किस तरीके से देखती हैं आप इसको पूरा, और प्लीज टेल अस। देखिए, जब बच्चा 6 महीने का होता है ना, उसका पहला दांत आता है, तब से लेके हम एंड तक, जब आप बोल रहे हो 2 साल का बच्चा और 10 साल का बच्चा, इन दोनों में पहले तो नंबर ऑफ टीथ ही अलग होते हैं। जो 10 साल का बच्चा होगा उसमें मिक्स टीथ होंगे, मिल्क टीथ भी होंगे और परमानेंट टीथ भी आना चालू हो गए होंगे, और जो 2 साल का बच्चा उसे मिल्क टीथ आ रहे होंगे। तो दोनों का जो ब्रशिंग टेक्निक होता है वो अलग रहता है, दोनों का जो टूथपेस्ट का प्रोडक्ट जो उसमें फ्लोराइड रहता है वो अलग रहता है, प्लस जो बच्चे मिक्स डेंटिशन में जा रहे होते हैं उनके काफी सारे दांत टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं उस टाइम पे, कि कुछ आगे आते हैं कुछ पीछे आते हैं, तो वो भी हमें देखना पड़ता है कि बच्चे के दांत, अगर 10 साल का बच्चा है तो उसके दांत आगे पीछे है, तो अगर आप देख रहे हैं कि आगे पीछे दांत है तुरंत आप ट्रीटमेंट सीख कीजिए, तब तक उसके परमानेंट दांत आ रहे हैं, आप देख रहे हैं उसमें सड़न चालू हो रही है, तुरंत आप सीख कीजिए, क्योंकि उसमें प्रोटेक्टिव लेयर रख के हम आगे सड़न को रोक सकते हैं। जब 2 साल का बच्चा है आप तुरंत डेंटिस्ट के पास जाइए सिर्फ रेगुलर चेकअप के लिए, कि कैविटीज हो रही है नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो कैसे प्रोटेक्ट करना है ताकि वो एक सिवियर स्टेज में ना जाए। और ब्रशिंग टेक्निक एक बार आप सीख लीजिए अपने डेंटिस्ट से, कि 2 साल के बच्चे को कैसे ब्रश करना है और 10 साल के बच्चे को कैसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं, दोनों की टेक्निक्स बोली जाती है। जैसे मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाऊं, जब 2 साल का बच्चा होगा तो ऑफकोर्स मदर ब्रश करवाएगी जो सर्क्यूलर मोशन में ब्रश करवाएगी, और जब 10 साल का बच्चा होगा उसको अगर ब्रश किया जाएगा तो 45 डिग्री पे एंगल ब्रश रख के उसको ऊपर से नीचे के स्ट्रोक्स करने पड़ते हैं और अंदर वर्टिकली स्ट्रोक्स करने पड़ते हैं अंदर के साइड पे। तो बीइंग अ डेंटिशियन में ही डिफरेंस आ जाता है 2 साल के और 10 साल के बच्चे में। ओके, ये तो आपने बताया कि जब बच्चे के दांत सड़ने लगे तो किस तरीके से बच्चे के पेरेंट्स को इमीडिएटली डेंटिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। सिर्फ ब्रशिंग, अगर हमें 2 साल का बच्चा है तो किस तरीके से ब्रशिंग टेक्निक होनी चाहिए, बट अगर हम बात करें ओवरऑल ओरल हाइजीन की, तो उसको आप कैसे देखती हैं? पहली चीज, दूसरी चीज, बच्चा तो पैदा होने के बाद में मदर मिल्क पे है, जब तक उसके टीथ नहीं आते हैं, टीथ इरप्शन नहीं हो रहा है, उससे पहले भी क्या ओरल हाइजीन रिक्वायर्ड है, या हम इसको बहुत ज्यादा एकदम उसके अंदर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ही अंदर घुस रहे हैं इस टॉपिक? नो, वी आर नॉट, हम लोग बहुत ज्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं। जब बेबी बॉर्न होता है ना तो ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रहता है बेबी, पर उसके जो गम्स होते हैं, टीथ तो वहीं से ही आना होता है, टंग तो प्रेजेंट होती है। जब तब पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप फीड करवा के बच्चे का जो मलमल का सॉफ्ट कपड़ा रहता है ना, उससे गम्स साफ कर दीजिए और टंग भी साफ कर दीजिए और पानी पिला के फिर आप उसको सुलाइए। ये बहुत बेसिक चीज है जब बच्चा बॉर्न होता है। और उसके बाद जब बच्चा 6 महीने का होगा तो एक दांत आएगा, तब उसका फिंगर ब्रश आता है,
विदाउट एनी टूथपेस्ट आप उसको फिंगरप्रिंट से ब्रशिंग करवा सकते हैं। तो उससे क्या है कि जो वो कंज्यूम करेगा ना, 6 मंथ्स में सॉलिड फूड इंटेक चालू हो जाता है बच्चे का, तो वो स्टिक नहीं होगा दांत पे और दांत सड़ना नहीं चालू होगा। तो राइट फ्रॉम द बर्थ मदर को बच्चे का टेक केयर करना ही है ओरल हाइजीन का, विद दैट सॉफ्ट क्लोथ, उसको गम्स क्लीन करके, टंग क्लीन रख के। और 6 महीने का जब होता है तब वो, जब वो सॉलिड्स पे आता है तो मदर को देखना है कि रात को बॉटल मुंह में डाल के ना सुलाया जाए बच्चे को, क्योंकि हम सॉलिड इनटेक के साथ बॉर्नविटा हॉर्लिक्स वगैरह भी चालू कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। वो 6 महीने के आगे भी बच्चे को फीडर की हैबिट डालनी नहीं है। डोंट इंडल्ज इन बॉटल फीडिंग एट ऑल। अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो स्पून से या वैसे पिलाइए, या फिर अगर स्वीट दे रहे हैं तो नून टाइम में दीजिए ताकि बच्चा कंज्यूम कर ले, पानी पी ले, गार्गल्स कर ले, फिर रात को वो नॉर्मली खाना खा के ब्रश करके सो सकता है। ये तो 2 साल तक के बच्चे की ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस हो गई ऑन अ रेगुलर बेसिस। व्हाट अबाउट द किड्स हु आर ओल्डर देन 2 ईयर्स एंड धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं? अदर देन ब्रशिंग, क्या और भी कुछ है जो करना चाहिए बच्चों को? जैसे हम एडल्ट तो माउथ वॉश यूज करते हैं, फ्लॉस यूज करते हैं, टंग क्लीनर यूज करते हैं फॉर ओरल हाइजीन। सो व्हाट अबाउट दीज किड्स ओल्डर देन 2 ईयर्स, मे बी 4 ईयर्स, 5 ईयर्स? क्योंकि तब उनकी ईटिंग हैबिट भी बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं। वो कुछ भी खाते हैं, कभी भी खाते हैं, दांतों में फंसना भी लाजमी है। उनकी ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस ऑन अ डेली बेसिस क्या होनी चाहिए? सी, ओरल हाइजीन बेसिक एक ही रहता है, टंग क्लीन। तो जैसे मैंने बोला राइट फ्रॉम द बर्थ, बर्थ से टंग क्लीन करना ही है और ब्रशिंग प्रॉपर रखना है। बट जब बच्चा जब तक 2 साल का होता है ना, तब तक हम बोलते हैं आप कोरा ब्रश करवाइए विदाउट एनी टूथपेस्ट। व्हेन द किड इज अबाउट टू ना, तो यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट जो सिर्फ बच्चों के 2 to 6 ईयर्स की एज की रहती है। मैं 6 ईयर्स तक बात कर रही हूँ इन जनरल, जब तक मिल्क टीथ रहते हैं तब तक 2 to 6 ईयर्स की एज में फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। उसमें 3 4 साल, 3 साल तक सिंगल टाइम यू हैव टू यूज टूथपेस्ट, एंड सेकेंड टाइम रात को आप फिर से कोरा ब्रश पानी वाला करके करवाइए। आफ्टर 3 आपको वापस मॉर्निंग एंड इवनिंग टूथपेस्ट के साथ ब्रशिंग करवानी है। एंड टूथपेस्ट का अमाउंट होना चाहिए पी साइज, मतलब मटर के दाने जितना, और अगर 2 साल का बच्चा है तो राई के दाने जितना, 3 से 4 साल का बच्चा है तो मटर के दाने जितना। उससे ज्यादा टूथपेस्ट आपको नहीं लगानी है बच्चे के ब्रश ऊपर, और ब्रश सिर्फ 3 मिनट करवाना चाहिए जहाँ पे सारी सरफेसेस उसकी कवर होनी चाहिए। 7 ईयर्स तक पेरेंट्स को ब्रशिंग करवानी है बच्चे को। वो बच्चा मोटर स्किल्स में इतना केपेबल नहीं होता है कि वो खुद ब्रश कर सके। दूसरी एक बात, 6 मंथ्स का जब बच्चा होता है आपको उसकी पहली विजिट डेंटिस्ट को ले लेनी चाहिए जस्ट फॉर रेगुलर चेकअप। जब बच्चा 2 सवा 2 साल का या 3 साल का होता है ना, जब उसकी दाढ़े पीछे छोटी छोटी दाढ़े आना चालू हो जाती है, जैसे हम मोलर टीथ कहते हैं, उसमें हम एक प्रोटेक्टिव लेयर लाते हैं जिसको पिट एंड फिशर सीलेंट कहा जाता है, वो एक डेंटिस्ट करता है। द रीजन बिहाइंड यूजिंग दिस इज कि जब बच्चा 4 साल 3 साल का होता है ना, वो स्टिकी फूड कंज्यूम करना बहुत जल्दी चालू कर देता है। जैसे अभी के बच्चे जनरेशन की बात करें तो चॉकलेट्स हो गए, राइस हो गए, स्टिकी फूड आइटम्स कंजम्पशन इज वेरी मच, फ्रेंच फ्राइज हो गया। तो 3 साल के बच्चे में जो छोटी दाढ़े होती है ना, उसमें आप डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाइए, अगर जरूरत लगे तो उसमें सीलेंट्स करवा दीजिए जिसको एक प्रोटेक्टिव लेयर माना जाता है। वैसे ही जब बच्चा 6 साल का होता है उसका पहला परमानेंट टीथ आना चालू होता है लास्ट में, तभी भी आपको एक बार डेंटिस्ट के पास जाके ये चेकअप करवाना है कि सीलेंट की जरूरत है कि नहीं है। बाकी बेसिक इज कॉमन टिल 12 ईयर्स ऑफ ओल्ड मटर के, टिल लाइक 6 ईयर्स ऑफ ओल्ड आप राई के दाने या मटर के दाने के जितना, 6 ईयर्स तक मटर का दाना, 3 साल तक राई का दाना, इतनी टूथपेस्ट यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट यू कैन यूज द स्मीयर, एक स्मीयर लगा सकते हो। बाकी टूथब्रशिंग एंड जो मैंने बोला टंग क्लीनिंग इज द बेसिक नेसेसिटी, उसके वो करोगे तो कैविटीज होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे विद द किड एंजॉइंग चॉकलेट्स, मिल्क शेक्स, एवरीथिंग। ओके, सो जो ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस आपने बताई बच्चे की, 6 साल के बच्चे की,
या सेम वही 12 साल के बच्चे की भी रहेंगी, 12 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे की भी वही ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस ही होंगी, या कुछ डिफरेंस आएगा वहां पे? नहीं, 12 साल के बाद जस्ट एक उसमें क्लीनिंग की एक्सरसाइज हम लोग ऐड कर देते हैं, वो डेंटिस्ट करते हैं every 6 months। अब हम लोग जो खाते हैं ना, उसकी एक लेयर टीथ के ऊपर जम जाती है, वो लेयर को बोलते हैं छारी, और हमारी मेडिकल भाषा में उसको बोलते हैं प्लैक एंड कैलकुलस। वो लेयर जम के पहले येलोइश हो जाती है पत्थर की तरह, उसके बाद ब्लैकिश टर्न हो जाती है। अभी के जनरेशन में पहले वो 16 साल 18 साल के बाद दिखती थी, बट नाउ डेज आई सी दैट इन द किड्स ऑफ 10 to 12 years to 14 years ऑल्सो, क्योंकि ब्रशिंग प्रॉपर नहीं हो रही है तो वो लेयर जमती जमती पत्थर बन जाती है। तो आई जनरली एडवाइस कि बच्चा 12 साल 14 साल का हो जाए ना, आप एक बार ईयरली वंस इन अ ईयर आप उसे क्लीनिंग करवा दीजिए डेंटिस्ट के पास जाते, जो अल्ट्रासोनिक मशीन के साथ हम जस्ट क्लीन कर देते हैं वो छार को। इससे गम्स भी प्रोटेक्ट रहते हैं और टीथ भी प्रोटेक्ट रहते हैं उसमें, तो वो एडवाइस एक करते हैं। बाकी बेसिक इज रेगुलर, और आफ्टर 3 ना आई सजेस्ट डाइट काउंसलिंग फॉर किड्स, जब तक बच्चा ओके मेच्योर इतना हो जाए 15 साल तक कि वो अपना समझ सके, कि 15 16 साल तक, 3 साल के बच्चे से 15 साल तक आई सजेस्ट डाइट काउंसलिंग। उसमें डाइट में मैं एक बेसिक चीज बता देती हूँ पेरेंट्स को, कि अगर आपको स्वीट इंटेक लेना हो ना, तो वो नून में कर दीजिए रादर देन एट नाइट, क्योंकि उसका एक रीजन है। जब आप रात को खा के सो जाते हैं ना, तो आपका जो सलाइवा होता है, जिसको थूक बोला जाता है, उसका फ्लो कम हो जाता है। तो जब सलाइवा का फ्लो कम हो जाएगा तो बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि बच्चे जब अगर चॉकलेट की जिद कर रहे हैं, कुछ चीज की जिद कर रहे हैं, तो आप उनको नून के टाइम पे देना बेहतर प्रिफर कीजिए रादर देन नाइट। बाकी स्केलिंग जिसको मैं बोल रही हूँ, क्लीनिंग एक डेंटिस्ट के पास जाना, वो आफ्टर 10 12 years जस्ट से वंस अ ईयर आप एक बार क्लीनिंग करवा दीजिए, जिसे हमारी भाषा में स्केलिंग कहा जाता है। मैंने बहुत सारे स्कूल किड्स में राइट फ्रॉम दिस एज ना आई हैव सीन दैट टोबैको हैबिट ऑल्सो, आगे पीछे स्कूल के आगे पीछे पान का गल्ला है, तो दे फ्रॉम द राइट बिगनिंग ना सीइंग देयर एडल्ट्स, और किनके घर पे हो या उनके फ्रेंड्स के, ये बहुत चीज मैंने देखी है कि टोबैको चूइंग आजकल के 10 12 साल से ही बढ़ रहा है, स्पेशली इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। दैट वॉज माई रिसर्च डन इन द स्कूल्स, सो विद दैट रिसर्च आई नोटिस दैट कि ये बहुत कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो दैट आई अर्ज, दैट्स अ अर्ज फॉर मी फ्रॉम माई साइड टू पेरेंट्स, कि वो ध्यान रखें कि ये टोबैको इतनी एज से अगर वो चालू करेंगे कंज्यूम करना, या सिगरेट स्मोकिंग, वो बहुत बड़ी चीज बन जाएगी बड़े होके, मतलब वो कैंसरस कंडीशन में भी कन्वर्ट हो सकती है राइट फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका मुंह बहुत सॉफ्ट रहता है। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक मोर देन दी ओरल हाइजीन, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज ये एक सोसाइटल इशू है। सिर्फ हम इसको ओरल हाइजीन के नाम पर एक्साइट नहीं करना कर सकते हैं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सोसाइटल इशू आई बिलीव। एंड आई थिंक पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अपने बच्चों को, अगर ये किसी भी इस तरीके की एक्टिविटी में वो इंडल्ज हो रहे हैं तो, क्योंकि उनकी समझ ही नहीं है अभी कि वो इस तरीके की एक्टिविटीज को समझ पाए कि वो सही भी है या नहीं है। आफ्टर एज देर आर, मतलब आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, दैट इज फाइन। बट एट द एज ऑफ टेंडर एज ऑफ 10 एंड 12, इफ यू गेट इनटू दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, देन वो एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है सोसाइटी के लिए भी, आई बिलीव। हाँ, ये मैंने खुद ने देखा हुआ है स्पेसिफिकली इन ओके गवर्नमेंट स्कूल्स, ओके तो ये मैं बहुत क्लियरली बताना चाहूंगी कि ये बहुत हैजार्डस चीज है कंज्यूम करना, इस पे रोक लगाना पेरेंट्स को ही देखना पड़ेगा। और ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, विद द लिप्स कलर एंड टीथ कलर, अगर बच्चा ओके फ्रीक्वेंटली सुपारी तमाकू खाता होगा ना, तो अगर आप देखोगे ना, तो उनका जो अंदर के टीथ का कलर होगा ना, समवॉट येलो से ना रेडिश बनता जाएगा स्पेसिफिकली ओके फ्रॉम इनर साइड, तो वो आप कलर नोटिस कीजिए। दूसरा, अगर बच्चा सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी स्मोकिंग में भी इंडल्ज होगा, चाहे वो 18 साल का हो या 20 साल का हो, उनका लिप्स का कलर चेंज होने लगता है, कि हमारे कैसे पिंकिश लिप्स होते हैं और उनके एकदम टिपिकल ब्लैकिश विथ नो मॉइस्चर आपको वो लिप्स दिख जाएंगे, क्रैकलिंग लिप्स होंगे। तो दिस आर ऑल द, एक मैं आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स बता रही हूँ कि
जो भी अगर देखता है, मतलब जो देखे ये पेरेंट्स, तो वो समझ जाएंगे ऐसे। आपने क्लीनिंग की बात करी, एवरी ईयर टीथ क्लीनिंग की बात करी, इसमें मुझे चीज बताइए, ये मेरा हो सकता है कि ये एक मेरे को थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो, पर क्या हर साल टीथ क्लीनिंग कराने से आपके दांत कमजोर हो जाते हैं या ये एक मिथ है? दिस इज एब्सोल्युटली अ मिथ। आपके दांत कमजोर नहीं होते हैं। ईयरली वंस मैंने सिर्फ बच्चों के लिए बोला है टिल 18 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि वो भी मैंने अभी ज्यादा देखा है। आफ्टर 18 जनरल एडवाइस इज 6 मंथ्स, मतलब आप 6 6 मंथ्स में ये क्लीनिंग करवाना जरूरी है, जिसको मैं स्केलिंग बोल रही हूँ। स्केलिंग सिर्फ आपके ऊपर की छारी जमी हुई निकालती है, वो आपके दांत को नहीं घिसता है। ये एक मिथ है। अब मैं इसका कारण भी बताती हूँ। जब आप इतने सालों से छाड़ी साफ नहीं करवाते हैं, तो वो जमती जाती है। जमने की वजह से वो गम्स को नीचे ले जाती है, जिससे दांत हिलने चालू हो जाते हैं, मूवमेंट टू एंड फ्रो मूवमेंट देते हैं, क्योंकि वो पकड़ से कमजोर हो चुके होते हैं। अब छाड़ी साफ करते हैं तो वो और दिखते हैं कि पकड़ से कमजोर हो गए, पर पेशेंट्स वो नहीं समझते कि हमने उनका कचरा साफ किया है, रादर देन कि हमने उन्हें दांत हिलाए नहीं है। ये मिथ होने का कारण भी यही है। तो 100 और 200% इट्स अ मिथ कि दांत साफ करने से दांत कमजोर नहीं होते हैं। एंड मैं भी खुद करवाती हूँ ये दांत साफ, तो कुछ डैमेज नहीं होता है आपके दांत को, कोई नुकसान नहीं होगा। दांत घिसने की मशीन पूरी ही अलग होती है, जिससे हम कैविटी साफ करते हैं, और ये एक अल्ट्रासोनिक मशीन है, जिससे सिर्फ वाइब्रेशंस आती हैं और पानी आता है, जिससे वो साफ होते हैं। सो प्लीज डू विजिट योर डेंटिस्ट आफ्टर 18 ईयर्स, 6 6 मंथ्स में एक बार फॉर टीथ क्लीनिंग। ओके, एंड इस प्रोसेस में खर्चा कितना आता है, लेकिन वो किस तरीके का एक्सपेंडिचर होता है ईयर ऑन ईयर? ईयर ऑन ईयर दैट डिपेंड्स ऑन एरिया, दैट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, दैट डिपेंड्स ऑन द लाइक इन सिटी विच यू आर स्टेइंग। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में बहुत सारी एरियाज ऐसी हैं जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में, जहाँ पे क्लिनिक्स हैं, जहाँ वहाँ पे भी क्लिनिक्स हैं, जहाँ पे हायर सोसाइटीज रहती हैं। दिस इज वेरिएबल, ये हम पेमेंट का नहीं डिसाइड कर सकते। बट हाँ, जो बोला जाता है ना कि डेंटल ट्रीटमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव, इट्स नॉट लाइक दैट। पीपल मेक दैट एक्सपेंसिव इग्नोरिंग द कंडीशन। आप ईयर 6 मंथ्स में जाओ एक बार क्लीनिंग करवाने, 700 800 रुपए आ जाएंगे आपके। आप एक, जैसे आप होटेल्स वगैरह में जाते हो, तो एक बार इस पे दे दो, कैविटीज नहीं होंगी, बोन लॉस नहीं होगा, गम्स पे स्वेलिंग नहीं आएगी, इतनी चीजें तो वैसे ही कम हो जाएंगी। अच्छा, ओके, सो एक एडल्ट के लिए, क्योंकि आपने 18 साल तक के लिए बोला कि रेगुलर क्लीनिंग हाँ करानी चाहिए हर ईयर ऑन ईयर, तो एक एडल्ट के लिए भी यही सेम प्रोसेस फॉलो नहीं, करना चाहिए उसको, या उसके लिए कुछ डिफरेंट रहता है? मैंने वही बताया कि एडल्ट के लिए 6 मंथ्स में बोला जाता है। अब बुक ओके, से एवरी 6 मंथ्स, मैंने आपको पहले ही स्पेसिफाई किया, मैंने ये चीज पहले ही स्पेसिफाई की कि अभी के किड्स में छारी मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली देखी है, क्योंकि रीजन बीइंग कि पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चे को बोल देते बच्चा ब्रश कर दो, इनर साइड पे ब्रशिंग होती नहीं है, तो वो छारी बढ़ती जाती है। तो 10 12 साल के बच्चे में, एंड किड्स नाउ डेज दे थ्रो सो मेनी टेंट्रम्स ना, बिकॉज दिस इज सिंगल चाइल्ड पॉलिसी एंड किड्स आर बीइंग पैम्पर्ड बाय दैट। सो आई पर्सनली एक्सपीरियंस दैट थिंग। तो वो चीज की वजह से कैलकुलस ये सब छोटी उम्र से ही आ रहा है, और उसकी वजह से गम स्वेलिंग आ रही है। मैंने ये गम स्वेलिंग भी आपको कैसे पता चलेगी, आपके गम्स का कलर चेंज होने लगेगा, इट विल बी रेड, एकदम ब्लड रेड की तरह। वो लाइनिंग्स जो टीथ के आगे की लाइनिंग्स है ना, वो एकदम ब्लड रेड हो जाती है, जिसे हमारी ओके, भाषा में इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स बोला जाता है, जिंजिवाइटिस बोला जाता है। तो ये मैंने छोटे किड्स में बहुत देखी है। एडल्ट में आप फिर उसका एडवांस स्टेज देखते हैं, पायरिया। अगर एडल्ट में जैसे 50 साल में एक आंटी आते हैं या अंकल आते हैं, मेरे को गम्स में से पस निकल रहा है, फूले हुए लग रहे हैं गम्स बहुत ज्यादा, तो हम उसको पायरिया बोलते हैं, जिसमें उन्होंने आज तक 50 ईयर्स में एक बार भी क्लीनिंग नहीं करवाई, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे टीथ हमको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। तो ये मिथ है कि स्केलिंग नहीं करवानी। इतना भी आप करवाओगे ना, आपका 50% ओरल हाइजीन वैसे ही मेंटेन रहेगा, ब्रशिंग, टंग क्लीनिंग विद द स्केलिंग ऐसे, ओके, सो एंड रेगुलर चेकअप्स। लास्ट मैसेज अगर मैं पूछूं आपसे तो वो क्या होगा कि क्या करना चाहिए एक बच्चे के लिए
और एक एडल्ट के लिए ऑन अ रेगुलर बेसिस वो जो ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस क्या हैं वो उनको आप एकदम एक बार समाप्त कर दीजिए। अगर मैं किड के लिए बोलूं तो मदर्स एंड फादर्स ऑफ कोर्स प्लीज डू टेक केयर, जब बच्चा बॉर्न होता है तब से उसके मुंह की सफाई किया कीजिए, चाहे वो गम्स हो के कैसे हो, नो मैटर व्हाट, उसका जो फूड इनटेक है वो आप ध्यान रखिए कि कितनी शुगर इनटेक ले रहा है, चाहे वो स्कूल में हो कहीं में हो। प्रैक्टिस हेल्दी स्नैकिंग टू किड रादर देन गिविंग द किड टेलीविजन और मोबाइल एंड देन फीडिंग हिम, नो डोंट डू दैट। उसमें बच्चे को पता नहीं चलेगा कि हाउ मच ही इज ईटिंग, सो इट विल बी अ ओवर कंजम्पशन एंड द फूड विल बी मोर स्टिकियर टू द टीथ। एंड फॉर एडल्ट आई वुड से कि ब्रशिंग कीजिए, टोबैको स्मोकिंग वगैरह से प्लीज दूर रहिए, क्योंकि ये आपको कितना डेंजरस कन्वर्ट होगा वो आपको अभी नहीं पता चलेगा, इट विल बी वेरी स्लोली, देर आर सो मेनी कंडीशंस के अगर आप ये सारी चीजें करेंगे। एंड मोर स्पेसिफिकली टू एडल्ट हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, बीपी, थायराइड, दे विल फेस अ मेजर गम चेंजेस अगर आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो ये चीजें आपके गम्स में से जो बैक्टीरिया है, जैसे एक हार्ट पेशेंट है उसके हार्ट में डिपॉजिट हो जाएंगी और जो एंडोकार्डाइटिस में कन्वर्ट होंगी। डायबिटीज है, एक बार गम्स में स्वेलिंग आ गई, रिपेयर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो मेडिकल सिस्टमिक कंडीशन एंड डेंटल इश्यूज आर वाइसा वर्सा। तो प्लीज जो पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री के साथ है अपना ओरल हाइजीन का ध्यान रखिए। एंड वन मोर थिंग, एक ये चीज मैंने बच्चों में भी देखी है कि पीपल लाइक किड्स आल्सो हैव कंजेनाइटल, मतलब बचपन से कोई हार्ट डिजीज होती है या वो होती है, उनमें अगर आपको माइनर सी भी सड़न दिखती है या फाउल स्मेल आती है तो प्लीज डेंटिस्ट के पास जाके कंसल्ट कीजिए, क्योंकि अगर उसका एक आध भी बैक्टीरिया ओरल का हार्ट में डिपॉजिट हो गया तो वहां पे वो ग्रोथ चालू कर देगा, जिसको एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। सो नेवर इग्नोर योर ओरल कंडीशन जस्ट बिकॉज ये मुंह है, दांत तो रिप्लेस हो जाएंगे, नहीं, दांत बहुत सारी चीजें करते हैं, खाना खाने के लिए काम आते हैं, एस्थेटिकली प्लीजिंग होते हैं, स्पीच डेवलप करते हैं बच्चों में, सो मल्टीपल यूजेस है टीथ के, सो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच, थैंक इट्स यू। प्लेजर हैविंग यू। सेम या।